लोकप्रिय विधायक फूल सिंह मीणा साहब, हमारे शाहपुरा के विधायक गोपी चंद जी मीणा साहब, पूर्व विधायक और जिले के महामंत्री आदरणीय नानालाल जी आहरी साहब, उदयपुर ग्रामीण की पूर्व विधायक आदरणीय वंदा जी मीणा, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नार सिंह जी जोधा साहब, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मानसिंह राठौर साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने इधर विराजे हुए बाहर से बना रहे हुए सभी मेहमानगण और सलमपुर विधानसभा के गांव गांव दाने दाने से पधारे हुए गांव के सभी मौजबीरगण, सभी माता बहने और युवा साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, कभी कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो नीचे आते आते 15 पैसा रह जाता है। उन्होंने नारा जरूर दिया और कहा जरूर, किया कुछ भी नहीं, परंतु मोदी जी ने कहा अगर दिल्ली का 1 रुपया है वो नीचे कैसे पहुंचे, तो उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन के बैंकों में खाते खुलवाए। बैंकों में पहले खाते खोलने के लिए 2 गवाह चाहिए थे, परंतु मोदी जी ने कहा कि आपको कोई गवाह देने की जरूरत नहीं है, आपका बैंक का गवाह भी मोदी है और आप सब बैंक में खाते खुलवाओ। आज माता बहने, मैं आज खुशी की बात है कि मोदी जी के मार्फत जनधन के खाते खुले, सरकारी योजना का सारा पैसा, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे नरेगा का पैसा हो, चाहे हमारे बच्चों की छात्रवृत्तियां हो, सरकार या चाहे हमारी पेंशन हो, सीधी आपके बैंक के खाते में आ रहा है। ये ऐतिहासिक काम किया नहीं किया उन्होंने, एक बार ताली बजाओ उसके लिए। लकड़ियां मिलती नहीं है और लकड़ी से निकलता धुआं हमारी बहनों के शरीर के अंदर जाता है, उस धुआं से कई तरह की बीमारियां होती है। उन बीमारियों को रोकने के लिए उज्ज्वला योजना चालू किया और सबको गैस के कनेक्शन फ्री देने का काम किया। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, विगत समय में कांग्रेस ने उज्ज्वला योजना की को रोक दिया, जो बहनें वंचित थी उन बहनों को रोक दिया। मैं आदरणीय बजरंग जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सरकार बनते ही वो पोर्टल चालू कर दिया और जो बहने वंचित रह गई उनको गैस के कनेक्शन अभी वापस मिल रहे हैं। ये ऐतिहासिक काम भजन लाल जी ने वापस शुरू किया, मोदी जी की योजना थी। किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके बारे में अगर किसी ने चिंता की है वो मोदी जी ने की है। पहले 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि थी, उनको बढ़ाकर अभी 8,000 रुपये कर दिए। हर किसान को ये राशि मोदी जी दे रहे हैं, परंतु पिछले 5 साल तक कांग्रेस ने वो पोर्टल बंद कर दिया था। हमारे किसान जो वंचित रह गए थे उनका पंजीकरण हो ही नहीं रहा था, उनको नहीं मिला। अब भजनलाल जी ने आकर वो पोर्टल वापस शुरू किया है। मैं जो किसान भाई विराजमान है उनको कहना चाहूँगा, आप में से जो वंचित रह गए हैं ई मित्र पे आप पधारो और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, मोदी जी के वो पैसे सीधे आपके बैंक के खाते में आएंगे। ये ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया है, परंतु उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। 1 दिन शेष रह गया है, परसों अपने को वोटिंग करना है। आप सब जन पदाधिकार ये वोटिंग करना, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में सलोम नगर के जो विकास के काम बाकी रहे वो सारे काम अपन करेंगे। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जयसमान, आज की इस साल इतनी बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है, फिर भी जैसमंद खाली पड़ा है और
ये क्षेत्र के सब किसानों की डिमांड थी कि ये जसवंत कैसे भरे। मैं अमृतलाल जी, स्वर्गीय अमृतलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पहली बार, और भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जसवंत को भरने के लिए जो पानी गुजरात जा रहा है, जाखम का पानी अपना जसवंत में डालने की योजना 7,000 करोड़ रुपए भी सेंक्शन हो चुके हैं। ये अमृतलाल जी की अथक प्रयास है। हमारा जसवंत हमेशा भरा रहेगा। ये ऐतिहासिक काम हमारे यहाँ का हो चुका है। उसके अलावा दो तीन बातें अपने क्षेत्र की और है। हमने उचित समय पे जहाँ भी समय मिला हुआ बात रखी है। एक घटनाक्रम अपने यहाँ हुआ था, दो घटनाक्रम बताऊंगा। कांग्रेस ने कभी किसानों के हित के बारे में सोचा ही नहीं, कैसे कैसे काम करते हुए बताऊंगा। दो घटनाक्रम कांग्रेस को उस काले राज में हमारा पीलाधर में जो कांड हुआ, मैं जिस मंच पे गया हमेशा इस बात को उठाता हूँ। माननीय नार सिंह जोधा साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रमोद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मन्नालाल जी सामर साहब से, हमारे सांसद साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्रीचंद जी कृपाणी साहब से निवेदन करूंगा के मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। भाई नरेंद्र जी मीणा से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए महाराणा प्रताप की। आप सब यहाँ पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रमोद सांबर साहब और कर्मष्ठ कार्यकर्ता जसपाल सिंह जी और साइलेंट और कर्मष्ठ कार्यकर्ता तखत सिंह जी अभी जो सब चीज बता रहे थे, वो अकेले ऐसे हैं जो कि बिना किसी साथ लिए हुए पार्टी का रात दिन कार्य कर सकते हैं। जिनका जैसे घर का कार्य कर रहे हो उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अपने को पीछे माता जी चामुंडा माता जी का मंदिर है, जिन्होंने महाराणा प्रताप को दर्शन दिए थे कि आप इस जगह बचो। अपने सबको एक विचार करना है कि आप सब विराजमान हमारे मंच पर तो सभी सीनियर है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के लिए सब विराजमान मैं आपको दो बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि पहले हथियारों से सरकार मिलती थी, आज की तारीख में सब एक साथ हाथ उठाएंगे। इन हाथों के कारण इनका एक वोट रहता है जिसके कारण सरकार आती है। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है तो ये माता जी है। अगर ये व्यक्ति बैठे जो एक व्यक्ति अपना जो नहीं हो इस पार्टी में, रिश्तेदारों में दूसरे हर जगह बनाएगा, तो ये इनके साल भर में ही माता जी उस घर का भी उद्धार करेगी। दूसरा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्योंकि समय का अभाव है, और 2000 मैं थोड़ा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। 2014 से पहले बड़े बड़े शहरों में साफ सफाई नहीं होती थी। एक आदमी ने झाड़ू उठाया, पूरा देश उस हिसाब से चलने लगा। आज गांवों में सफाई होते टाइम लगेगा। मैं इंदौर में काम करता हूं, लेकिन उस जगह जाकर देखो 7वीं बार क्लीन स्वीट आई है। अगर कोई अधिकारी कागज डालता है तो एक नगर निगम के हाउसमैन उसको गाड़ी रोक करके बोलता है कि नगर निगम में फोन लगाऊं क्या। उनकी तकदी देख लो, एक हाउसमैन को कौन पूछता था उस समय। और जैसे बाथरूम बनाने का काम किया तो पब्लिक खुद जागरूक हुई और आज बना रही है बाथरूम। उसी प्रकार से उन्होंने कई सारी योजनाएं की और राष्ट्रहित में कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं ये बोर्ड खाली इस देश के चारों तरफ बाढ़ की रक्षा करने वालों को जा रहा है। आपके मेरे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, उसके नाम से आपको एक भी वोट खारिज नहीं जाना है। अपना बच्चा विदेश में हो, इंदौर हो, अहमदाबाद हो, लेकिन उसको कैसे भी करके टाइम निकाल करके एक दिन के लिए 12 तारीख को रात करके 13 को सुबह चले जाए या 13 शाम को बैठ जाए, ये सब अपन सबकी जवाबदारी है। इसलिए मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि उसके लिए 13 तारीख को खास करके हमारे मंच पर विराजकार अमृतलाल जी ने बहुत सारे कार्य करवाए, बहुत अच्छे आदमी थे,
कार्य सब जगह कहते हैं कि अमृता जी रात दिन विकास का कार्य करते थे और उनकी ना उपस्थिति में आज हमने आज शांता देवी जी को दिया है और कर्मष्ट कार्यकर्ता हमारे नरेंद्र जी इनको भी हमने सादर प्रणाम करता हूँ। रात दिन लगे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी में ये भी बहुत अच्छा कार्य करवाएंगे आप देख लेना। इसलिए अभी सब एकजुट होकर के ऐसा कार्य करना है क्योंकि अभी ताकत बहुत जरूरी है। मुझे आने का टाइम नहीं था, हम तो एक वर्कर आदमी नौकरी करते हैं, लेकिन जो चीजें देख रही है 4 बज चुकी है, 6 बजे तक 2 घंटे का टाइम और है तो रात दिन खुल जाएगा। तो अपने को ये जो 12 और 13 तारीख का जो दिन है उसके लिए पूरा ध्यान रखना है। सोना नहीं है कि अपना आ जाएंगे मोदी जी के नाम से आ जाएंगे, ये नहीं कहना है। 2 दिन यही सफलता आपकी इस कमल के फूल को काम आएगी और राष्ट्र की सेवा के लिए काम आएगी और आने वाले आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगी। चाहे कितना भी खर्चा हो जाए पर आप उसके लिए टाइम निकाल करके उनको जरूर यहाँ बुलाना है। जैसी भी व्यवस्था हो, किसी के घर की व्यवस्था हो, भले छुट्टी नहीं दे रहा हो, तो उस सेठ के कहना है साहब मैं राष्ट्र हित के लिए 12 घंटे के लिए मुझे छुट्टी दो, सब कुछ हो जाता है। और उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर के चामुंडा माता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने बूथ अध्यक्ष हैं बहुत तरीके से लगे हुए हैं, जैसे किसी का नाम ले बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे आदरणीय मंच के जो कार्यकर्ता सब कार्य कर रहे हैं वो उसी तरह से अपनी यह लास्ट तारीख है, लेकिन 12-13 तारीख 2 दिन तक रात दिन लगे रहे ताकि इस पार्टी को बहुमत हासिल हो सके। आवाज के मुख्यमंत्री जी आवे तो हम भी दे एक बार जोरो फेर बोलो चामुंडा माता की महाराणा प्रताप की। हाँ ये वो लागू है आवाज आगे मारे आज अड़ी उपचुनाव रे दरमियान में मंच पर बिराजा था का भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश उपाध्यक्ष परम सम्मान्य नारसिंह जी जोधा साहब पार्टी रा मंच पर असीम जिला अध्यक्ष जी माने अटेरा प्रभारी कैबिनेट स्तर रा मंत्री आदरणीय थोड़ा नाम का वो हो गया है तो को राम राम। आज से आठ या 9 महीने पहले आप सभी ने मेरे पिता श्री अमृतलाल जी मीणा जी जो एक विकास रूप में माने जाते थे उनको विधानसभा में भेजा था, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, उनने हमसे तो नहीं लेकिन हमसे भी और आप सभी सबसे छीन लिया हमारे पापा को। अब मेरे पापा की एक कल्पना थी, एक दिमाग में एक लक्ष्य था, पूरे विधानसभा को सारे विधानसभा में सबसे टॉप बनाओ एक लक्ष्य था, लेकिन उनका लक्ष्य ही रह गया। बस हम घर परिवार की एक इच्छा है कि हमें आप सब मिलकर मौका जरूर दें, हमारे पापा के सपने पूरे करने का एक बार मौका जरूर दें। और उनकी ये इतनी मतलब उनके दिल और दिमाग में ये कल्पना की थी, कभी कभी वो मजाक करते थे कि उनके रंग को लेकर मजाक करते थे, मेरे कलर के जैसा मैं रोड बना दूंगा इन सारे क्षेत्र में, सारी विधानसभा में एक रोड बना दूंगा। क्या उनका नाचना था, क्या गाना था, क्या माया थी, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अभी आज चुनाव में हूँ, ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है दिल भर आता है, क्या करूँ। ऐसे पिताश्री भगवान करे बहुत जल्द बुला लिया, कभी हम घर परिवार को कभी मौका दिया ही नहीं। हम भी सोचते थे हमारे पिताजी हमें मौका दें, लेकिन खुशी होती थी कि
विधानसभा की जनता को सेवा देते थे, 24 घंटे देते थे, 24 घंटे में से 24 घंटे कभी कभी 15 दिन में कभी हमें मिलना होता था, कभी 20 दिन में, जब कभी कोई कार्यकर्ता हमें कहता था कि कोई काम है तब हम पिताजी से बात कर पाते थे। लेकिन भगवान ने, चलो हमें तो कभी देखा नहीं लेकिन खुशी होती थी, चलो हमारे लिए नहीं लेकिन जनता के लिए किया और जनता को उनने पूरा परिवार समझा। तो अब इस हमारे परिवार को पूरे विधानसभा की परिवार की जरूरत है, आप जरूर एक बार मौका जरूर दें। हम पापा के जो भी दिमाग में सोचा था, उनने लक्ष्य सोचा था, उस लक्ष्य को पूरा करके बताएंगे। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो ही हम पूरा कर से बताएंगे। और ये यहाँ पर मंच पर जितने भी विराजमान नेतागण, पिता समान, इन सभी ने मेरे माताजी के पक्ष में दिन रात एक कर दिए। जब से पिताजी का देहांत हुआ तब से हमें कभी कमी महसूस नहीं होने दी, बढ़ चढ़ कर हमें बहुत दुख होता है, लेकिन जब भी इनने कहा कि कभी कोई भी कमी हो तो हमसे संपर्क हमारे को बताएं, तो कभी भी सभी क्षेत्र में इनने मेरे पिताश्री के बातें पहुंचाने का काम किया और बस हमें जीत दिलाने का काम किया। और सामने माताएं, बहनें, भाई सभी, आप जरूर एक बार मौका जरूर दें। मैं हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, जरूर आप मौका दें तो हम जो भी पापा के सोचे हुए सपने हैं उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत मातृ की। बोल चामुंडा मातृ की। भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की। महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की। भारतीय जनता पार्टी। बोल चामुंडा मात की। हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौर, आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, आज चावंड की पावन धरा पर माँ चामुंडा के आंगन में महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली पे पधारे हैं। यहाँ से जनता से निवेदन है कि जोरदार स्वागत करें। भारत माता की। भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। वंदे मातरम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम। सभी मंच के की मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान जिसको मरुधरा के नाम से जानते हैं उसमें राजस्थान के चारों दिशाओं से पानी लाने का प्रयास तो किया ही किया, परंतु सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के 70 वर्ष पुरानी जो मांग थी, जाखम का व्यर्थ में जाने वाला पानी जो बहकर समुद्र में जाता था, उस समुद्र के पानी को जाखम से लाकर जैसमंद झील में डालने का प्रयास किया, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का जोरदार तालियों से हम सब अभिवादन करें। सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य, और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के राजस्थान के सबसे प्रमुख सेनानी जो आपातकाल में जेल में रहे, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, एक बार जोरदार तालियों से सब कार्यकर्ता इनका अभिवादन करें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित दिन के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया, ऐसे चित्तौड़ के तीसरी बार सांसद हैं और प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश जी जोशी का भी जोरदार तालियों से मैं अभिवादन करें। मंच पर आदरणीय शांता देवी जी मीणा, आदरणीय मंत्री महोदय हेमंत जी,
सम्मानीय सांसद जी, सम्मानीय समस्त विधायक जी, सम्मानीय समस्त पूर्व जिला अध्यक्ष जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, प्रदेश के सम्मानीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय श्री चंद कृपलानी जी, मैं सभी का अभिवादन करते हुए मंच पर जो आसीन वक्ता है, जिनके लिए हम सब जने आज यहाँ एकत्रित आए हैं, इनका मैं सभी का जोरदार ताले से अभिवादन का एक बार पुनः आग्रह करते हुए आप सभी की उपस्थिति के देख कर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मदन राठौड़ जी के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूँ। ये सरणा क्षेत्र है, सलुम्बर विधानसभा का सरणा क्षेत्र है, जो कभी मेवाड़ स्टेट के समय में जिला केंद्र हुआ करता था, बाद में कांग्रेस ने षड्यंत्र करके इसका जिला भी समाप्त कर दिया और यहाँ जो विधानसभा थी उसको भी समाप्त कर दी। अब आपके नेतृत्व में ये सरणा क्षेत्र जागा है और मैं समझता हूँ सरणा की अभूतपूर्व सभा है, न पहले कभी इस प्रकार की सभा हुई, सब भजन लाल जी शर्मा को सुनने को आतुर है। इतनी बड़ी जनमेदनी को देखकर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, शांता देवी जी मीणा को ये क्षेत्र भारी बहुमत से जिताने का संकल्प कर चुका है। इसी संकल्प के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। अब मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ पंकज जी चोपिसा, मदन लाल जी जैन, नितिन जी जैन, आगा खान जी पठान, दिनेश जी दर्जी, देवीलाल जी पटेल, नंदलाल जी सोनी, कांतिलाल जी लोहार, देवीलाल जी प्रजापत, मुकेश जी शर्मा, शांतिलाल जी जैन और देवीलाल जी प्रजात। आप सभी मेवाड़ी पगड़ी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, थोड़ा और जोर से बोले भारत माता की, वंदे वंदे। भाजपा जिंदाबाद, दोनों हाथ ऊपर करके हमारे मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भारत माता की। अब मैं हमें हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ करण जोशी, नरेश जी देवड़ा, जमनालाल कलाल, वालजी जोशी, मांगीलाल जी सुथार, मनोज जी व्यास और पंकज जी चोपिसा। आप सभी आए एवं जिला प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रतीक चिन्ह द्वारा स्वागत करें। प्रतीक चिन्ह सीएम साहब को, सीएम साहब का स्वागत करें। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने के लिए हल एवं जैसमंद के चित्र द्वारा स्वागत करेंगे दलीचंद जी डांगी, वालजी सुथार, मोहन जी जाट, रायपुरी गोस्वामी जी, गणेश जी कुमावत, पथुपाल जी एवं धनजी अहिर। आप सभी पधारे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हल एवं जैसमंद चित्र द्वारा उन्हें भेंट करें। एवं महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दिनेश जी पटेल, राजेंद्र सिंह, दिलीप जी पटेल, प्रवीण जी चौबीसा, लालू राम जी पटेल।
अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ पटेल समाज से पगड़ी द्वारा स्वागत करेंगे धूलजी पटेल, डॉक्टर गीता जी पटेल, नाथू जी पटेल, देवीलाल जी पटेल, पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र जी पटेल, डालचंद जी डांगी और खेमजी पटेल, पेमजी पटेल और शंकर जी पटेल, आप सभी पधारे हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़ का स्वागत करें। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ हमें निवेदन कर रहा हूँ मंडल अध्यक्ष हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें, हमारे मंडल अध्यक्ष पंकज जी इसी क्रम में हमारे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा आदरणीय सीपी जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ के सांसद सभी को, सब मेरे सलंबर विधानसभा से पधारे हुए सभी को राम राम जी, और हमारे मंच पे विराजमान हमारे मुख्यमंत्री जी और सब सामने हमारे पूरी विधानसभा की जनता को नमन करती हूँ और महाराणा प्रताप की धरती पे विराजमान सभी को राम राम। और मुझे आशीर्वाद देने पधारे हो और भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल आगे वाला बटन दबा करके मुझे भारी मत से जिताना, और हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरा आश्वासन दो ये हमारे बीच में पधारे हैं जनता की बात सुनने के लिए, और सब आप मेरे आशीर्वाद पधारने देने आए हो, धन्यवाद आपको। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे।